डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है या मूल अधिकार है उसका वर्णन पढ़ रहे थे अपन। तो हमने पहला जो मौलिक अधिकार है वो पढ़ा था समानता का अधिकार, उसके बारे में हमने विशेष चर्चा कर ली थी। समानता के अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है, आर्टिकल 14-18। फिर हमने बात की थी दूसरे प्रकार का जो मौलिक अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसके बारे में हमने चर्चा की थी कि इसका जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक है। स्वतंत्रता के अधिकार को हमने डिटेल से पढ़ा था कि स्वतंत्रता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 19A के तहत प्रत्येक नागरिक को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं, ठीक है। उसके बारे में हमने चर्चा की थी कि 19A के अनुसार कौन सी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसके बारे में बात की थी हमने। 19A के अनुसार जो है वो कौन सी है, शांतिपूर्ण सभा या सम्मेलन की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा या सम्मेलन की स्वतंत्रता, बिना अस्त्र शस्त्रों के सभा या सम्मेलन किया जा सकता है, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। 19A के अनुसार संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संघ या संगठन किसी भी प्रकार का धार्मिक आर्थिक संगठन का निर्माण किया जा सकता है, यानी इसकी स्वतंत्रता प्रदान की गई, ठीक है। 19A भ्रमण, निर्बाध भ्रमण की स्वतंत्रता, इसके बारे में हमने बात की थी। निर्बाध भ्रमण यानी पूरे भारत में भारत का नागरिक जो है वो कहीं भी घूम सकता है और कहीं भी जा सकता है, उसे सरकार के द्वारा किसी प्रकार का जो है रोक नहीं लगाई जाएगी, ठीक है। फिर हमने 19 में पढ़ा था निवास की स्वतंत्रता, इसका मतलब भारतीय नागरिक भारत के किसी भी स्थान पर निवास कर सकता है, ठीक है, इसके बारे में हमने चर्चा पढ़ ली थी। और इसके बाद जो चय है, जो संपत्ति की स्वतंत्रता थी उसको हटा दिया गया, उसके बाद जो है छः हो गया, 19A वो हो गया आपके पोजीशन यानी वृत्ति या व्यवसाय की स्वतंत्रता, वृत्ति या व्यवसाय यानी भारत का नागरिक पूरे भारत में कोई भी वृत्ति या व्यवसाय या जो है वो आजीविका प्राप्त कर सकता है, ठीक है भाई। तो ये हमने 19A के तहत जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं उसका हमने उल्लेख किया। उसमें से 19A को हटा दिया गया था, जो कब हटाया गया था हमने बात की थी 44वें संविधान संशोधन से इसको हटा दिया गया, ठीक है। फिर हम बात कर रहे थे अनुच्छेद 20 की। अनुच्छेद 20 यानी दूसरे प्रकार की जो स्वतंत्रता है उसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। दूसरे प्रकार का जो है आर्टिकल 20 जो है उसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी कि इसमें किसी भी प्रकार की जो है अपराधों से दोष सिद्धि का अधिकार है, अपराधों से दोष सिद्धि, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी कि किसी भी व्यक्ति को जो है बिना किसी कारण के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ठीक है, इसके बारे में हमने भी चर्चा कर ली थी। और अगर जब तक उसने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया हो तब तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसके अलावा एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक ही बार दंड दिया जा सकता है, अपराधों से जो है दोष सिद्धि का। इसके अलावा और अधिक बात करें अपन तो एक अपराध के लिए एक ही बार सजा का प्रावधान है, इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में चर्चा कर ली। अब हम आज पढ़ते हैं अनुच्छेद 21 जिसे कहते हैं जीवन की स्वतंत्रता या जीने की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता
तो जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता कह सकते हो, जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अब इसके अंदर क्या आता है, यह सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रताओं में से एक आता है कि बाकी जो स्वतंत्रताओं को आपातकाल के दौरान छीना जा सकता है, सरकार के द्वारा कम किया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लेकिन इस पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। अनुच्छेद 20 और 21 इस पर आपातकाल के दौरान भी किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया सकता, ठीक है। इसका मतलब ये अप्रतिबंधित है, किसी प्रकार का इन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता किसी भी परिस्थिति में। अब ये होता है क्या, इसका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब हो गया कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार है। अगर उसको जीवित रहने में बाधा पहुंचाई जा रही है, ठीक है, या सरकार या किसी अधिकारी द्वारा अगर उसे जीवित रहने में बाधा पहुंचाई जा रही है तो सरकार जो है उसको हम कह सकते हैं उस पर रोक लगाई जा सकती है। इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार है, उसे अगर जीने में किसी प्रकार की बाधा है तो हम कह सकते हैं कि उसको जो है सरकार के द्वारा हाई कोर्ट के द्वारा उसे रोका जाए। अब ये होती क्या है, जीवन जीने का अधिकार मतलब हर व्यक्ति को जिंदा रहने का अधिकार। इसके समय समय पर न्यायालय ने इसकी अलग अलग व्याख्या की है, जैसे पेयजल का अधिकार, पीने का पानी का अधिकार, ठीक है, यानी स्वच्छ हवा का अधिकार, पर्यावरण को शुद्ध रखने का अधिकार। तो इन सब के अधिकारों के समय 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 पर इसमें जो है नए अधिकार जीवन की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत जोड़े गए। पेट भरने का अधिकार, ठीक है, तो वो भी जीवन के अधिकार के तहत आता है, यानी हर व्यक्ति को अपना पेट भरने का अधिकार है, हर व्यक्ति को स्वच्छ वायु का प्राप्त करने का अधिकार है, हर व्यक्ति को स्वच्छ पेयजल का अधिकार है। तो समय समय पर न्यायालय ने इस अधिकार की व्याख्या की है, ठीक है। प्रदूषण रहित जीवन जीने का अधिकार है, यानी हर व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत जीवन को जीने का अधिकार है, इस अधिकार से उसे वंचित नहीं किया जा सकता किसी भी प्रकार में, किसी भी परिस्थिति में, ठीक है। अब लास्ट जो है हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 जो चौथे प्रकार की जो स्वतंत्रता है उसको बात करते हैं, वो है बंदीकरण से संरक्षण, बंदीकरण से संरक्षण। इसका मतलब अनुच्छेद 22 ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, ठीक है, तो उसको कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त है, यानी किसी व्यक्ति को अगर अपराध की वजह से कि भाई इसने अपराध किया है, उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, तो उस बंदी व्यक्ति को, उस अपराधी व्यक्ति को भी कुछ अधिकार प्राप्त हैं। ये कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे बंदी व्यक्ति को जो है अपनी इच्छा अनुसार जो है वो कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार, यानी वो अपनी तरफ से अपना कोई वकील अपॉइंट कर सकता है, कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है, ठीक है। दूसरी बात, बंदी व्यक्ति को कानून के जानने का अधिकार है कि किस कानून के तहत, कौन से नियम के तहत उसे, कौन से नियम या कौन से कानून के तहत उसे गिरफ्तार किया गया है, जो धाराएं होती है ना, तो उसके अनुसार बंदी व्यक्ति ये जान सकता है कि मैंने कौन से कानून को तोड़ा है जिसकी वजह से मुझे गिरफ्तार किया है। इसका मतलब वो जान सकता है कि मुझे किस अपराध के तहत गिरफ्तार किया गया है, ठीक है। इसके अलावा बंदीकरण को और भी बंदी व्यक्तियों को सुरक्षा है कि जैसे गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर, गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष जो न्यायालय है वो प्रस्तुत करने का अधिकार है। 24 घंटे के अंदर उसे जो है सक्षम न्यायालय जो है उसके सामने रखना जो है पेश करना जरूरी है। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, पहली बात तो बिना कारण की गिरफ्तार ही नहीं कर सकते, और किस कारण से कर रहे हो उसका उसे बताना पड़ेगा कि किस नियम किस कानून के तहत आपको गिरफ्तार किया गया। और तीसरा अधिकार इसमें यह भी आता है कि 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय के सामने पेश किया जाना आवश्यक है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप 2-4 दिन तक जेल में रखो उसको और फिर आप बताओ कि भाई इस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया, या
चार दिन तक जेल में रखो और फिर ऐसा नहीं है, उसे 24 घंटे के अंदर उसे जो है न्यायालय के सामने पेश किया जाए। तो गिरफ्तार यानी बंदी व्यक्तियों को, गिरफ्तार व्यक्तियों को भी कुछ अधिकार प्राप्त हैं। क्या अधिकार? एक तो बिना किसी कारण के उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उसे जानने का अधिकार है कि किस नियम के तहत उसे गिरफ्तार किया गया है, ठीक है। उसे अपने कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है, यानी वो अपना वकील अपॉइंट कर सकता है कि भाई मैं इस वकील को रखना चाहता हूँ, ठीक है। इसके अलावा गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के सामने न्यायालय के सामने पेश करना जरूरी है। तो ये कुछ अधिकार बंदी व्यक्तियों को प्राप्त है, यानी बंदीकरण व्यक्तियों को कुछ संरक्षण इस स्वतंत्रता के तहत दिए गए हैं। गिरफ्तार व्यक्तियों को भी कुछ अधिकार दिए गए, ठीक है। लेकिन समय समय पर अनुच्छेद 22 में जो है वो बदलाव होते गए, ठीक है। तो सबसे पहले जब ऐसे समय समय पर कुछ कानून बनाए गए इसके लिए, ठीक है, देश की सुरक्षा के लिए समय समय पर कानून बनाए गए, ऐसे कानून कौन कौन से हैं? तो 1951 में सबसे पहले कानून बनाया गया था निवारक नजरबंदी, निवारक नजरबंदी, यानी इसका मतलब अगर कोई अपराधी व्यक्ति है तो उस व्यक्ति को भी जानने का अधिकार है कि किस कारण से उसे गिरफ्तार किया। अगर कोई नियम तोड़े तभी उसको गिरफ्तार किया जा सकता, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए और अपराधी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए समय समय पर कई कानून बनाए गए, ऐसे कानूनों को निवारक नजरबंदी के नाम से जाना गया। अब निवारक नजरबंदी होती क्या है? निवारक नजरबंदी का मतलब होता है कि बिना नियम प्रक्रिया के, बिना नियम या प्रक्रिया के भी किसी व्यक्ति को इस आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है कि वो किसी कानून को तोड़ेगा या वो किसी अपराध को करेगा, यानी कि अपराध करने से पूर्व की स्थिति है, किसी व्यक्ति को शक के आधार पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है निवारक नजरबंदी के तहत कि ये अपराध करने वाला है, ये व्यक्ति किसी न कोई को ना कोई अपराध करने जा रहा है, तो अपराध करने से पूर्व भी इस कानून के तहत उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। क्या मतलब हो गया कि किसी भी व्यक्ति को बिना कानूनी नियम या प्रक्रिया के केवल शक के आधार पर या संदेह के आधार पर ही गिरफ्तार किया जा सकता है निवारक नजरबंदी के तहत, ठीक है। इसका मतलब, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य अपराध करना नहीं, अपराधी व्यक्ति को दंडित करना नहीं, बल्कि अपराधी व्यक्ति को अपराध करने से रोकना है। तो देश सबसे पहले, देश के जब आज़ाद हुआ 1951 में, निवारक नजरबंदी का उद्देश्य यही था कि किसी भी व्यक्ति को देश की सुरक्षा के लिए, देश में जो जातिवाद, जो सांप्रदायिकवाद, जो झगड़े होते हैं उसको रोकने के लिए, ठीक है, इस प्रकार के कानून समय समय पर लेकर के आए। तो निवारक नजरबंदी का मतलब क्या हुआ? निवारक नजरबंदी का मतलब हो गया कि इस कानून के तहत, इस नियम के तहत सरकार जो है वो किसी भी व्यक्ति को बिना नियम प्रक्रिया के, यानी उस पर ये नियम लागू नहीं होते, बिना नियम या प्रक्रिया के शक के आधार पर, संदेह के आधार पर भी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य अपराध होने से रोकना है, अपराध, अपराधी व्यक्ति को बंदी बनाना नहीं, बल्कि इसका उद्देश्य होता है अपराध को होने से रोकना, कि भाई किसी व्यक्ति को शक के आधार पर ये बहुत बड़ा बम ब्लास्ट करेगा या ये किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाएगा या इस नियम को तोड़ेगा, उसके आधार पर उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो समय समय पर ऐसे कई कानून भारतीय जो है इंडियन भारतीय नियम संहिता के तहत निवारक नज़रबंदी के तहत कानून, ऐसे कानून बनाए, ठीक है। जैसे इसका, जैसे निवारक नजरबंदी के तहत कौन कौन से कानून बनाए गए? एक है रासू का, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, सुरक्षा कानून, ये बनाया गया था 1980 में, रासू का, शॉर्ट में इसको रासू का बोलते हैं, ठीक है। 1980 में इसको बनाया गया था राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। इसका उद्देश्य भी यही था कि देश की सुरक्षा, देश में सांप्रदायिक दंगे, देश में जातिवाद, इस तरह के दंगों को रोकने के लिए रासू का लाया गया था, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लाया गया था। इसके अलावा और भी कई कानून लाए गए थे, जैसे पोटा,
एक कानून जो है 2004 में लाया गया था, गैर कानूनी निवारक, गैर कानूनी गतिविधि निवारक अध्यादेश। निवारक अध्यादेश यानी पोट्टा, पोट्टा। इसके तहत गैर कानूनी गतिविधि निवारक, ये भी एक निवारक नजरबंदी का ही कानून है। इसमें किसी भी व्यक्ति को कोई भी गैर कानूनी कार्य करने से रोका जाता है। ये कानून लेकर के आए थे 2004 में, ठीक है। इसके अलावा समय समय पर और भी कानून लेकर के आए थे। तो एक है फेरा, ये भी निवारक नजरबंदी से संबंधित एक कानून था। इसका है विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निवारक जो कानून है, वह तस्करी निवारक कानून या अध्यादेश। तो इसका पूरा नाम है फेरा, ठीक है। इसमें जो विदेशों में जो भारतीय काला धन जो लोग इकट्ठा करते हैं उसको रोकने के उद्देश्य से इस प्रकार का कानून लेकर के आए थे 1974 में। तो ये इनको आगे की कक्षाओं में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो निवारक नजरबंदी का उद्देश्य क्या है कि वैसे तो आप बंदी अनुच्छेद 22 के तहत आप किसी भी व्यक्ति को बिना कारण गिरफ्तार नहीं कर सकते, जिसको कारण बताना पड़ेगा और 24 घंटे के पहले सामने न्यायालय में पेश करना पड़ेगा और उसे कानूनी सहायता प्राप्त कर जो है ज़रूरी है। लेकिन समय समय पर ऐसे तो सरकार किसी व्यक्ति को अपराध होने के बाद गिरफ्तार करेगी, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। इसीलिए समय समय पर भारत सरकार जो है वो समय समय पर निवारक नज़रबंदी के कानून लेकर के आई, जिसका उद्देश्य है अपराध व्यक्ति को सजा देना नहीं बल्कि अपराध होने से रोकना। इसके तहत जो है कई समय समय पर, जैसे हमने पढ़ी है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लेके आए थे, ठीक है। टाडा, एक टाडा कानून भी है, टाडा 1990 के आसपास लेके आए थे। टाडा है, फिर पोटो है, फिर पोटा है, ये जो गैर कानूनी गतिविधि निवारक अध्यादेश पोटा, ठीक है। 1974 में जो भारत में जो काले धन को रोकने के उद्देश्य से भारतीय विदेशी जो मुद्रा है वो विदेशों में जाने से रोकने के लिए, उसको लिए एक कानून लेके आए थे फेरा, ठीक है। तो ये समय समय पर सरकार के द्वारा बनाए गए कानून हैं, जिसके तहत फिर वहाँ पर आपके ये जो अनुच्छेद 22 है लागू नहीं होता, यानी फिर आपको नियम प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती। इन कानूनों के तहत किसी भी व्यक्ति को शक या संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। इन कानूनों का उद्देश्य क्या है? इन कानूनों का उद्देश्य है अपराध होने से रोकना, किसी व्यक्ति को अपराध होने ही नहीं दिया जाए। और कि भाई ये आदमी ऐसा करेगा, ये आदमी देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाएगा, ये आदमी राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, तो उससे पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाए तो उसमें फिर आपको नियम प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसके तहत निवारक नज़रबंदी के तहत समय समय पर कानून लेकर के आए। सबसे पहले 1951 निवारक नज़रबंदी, इसके तहत फिर आए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, फिर आया पोटा टाडा, फिर आ गया फेरा, फिर पोटा, ठीक है। इस तरह के समय समय पर जो है कानून लाए। आपको तो केवल इनके नाम याद रखने हैं, नेक्स्ट क्लासों में जो बड़ी क्लासें हैं उनमें से अलग अलग सबके कानून हम पढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो ये है अनुच्छेद 22। तो अब तक हमने पढ़ लिया था दूसरे जो प्रकार की स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 तक, उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। क्या था? अनुच्छेद 19 के तहत 6 स्वतंत्रताएं थी, जिसका हमने अध्ययन कर लिया था 19(1)-6 तक। 7 स्वतंत्रताएं थी, उसमें से 1 संपत्ति की स्वतंत्रता को हटा दिया गया, और 6 स्वतंत्रताएं जो अनुच्छेद 19 के तहत आती हैं। फिर हमने अनुच्छेद 20 में पढ़ा अपराधों से दोष सिद्धि का अधिकार। इसमें अपराधी व्यक्ति को जो है वो अपने कुछ कारणों के बाद में गिरफ्तार, बिना किसी कारण के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसके तहत 2-3 तरह के
जो है नियम आते हैं। फिर आता है जीवन में व्यक्ति का स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के तहत व्यक्ति को किसी भी स्थिति में जो है उसके जीवन जीने से नहीं रोका जा सकता। इसका भी समय समय पर सरकार जो है हाई न्यायालय ने समय समय पर इसके तहत कई प्रावधान किए थे। इसके तहत जैसे हम बात करते हैं अनुच्छेद 21 के तहत 86वां संविधान संशोधन किया गया, 86वां संशोधन किया गया सन 2002 में, जिसके तहत शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था 21 के तहत। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा यानी 14 वर्ष के से कम आयु के जो बालक हैं प्रत्येक व्यक्ति को जो है सरकार के द्वारा निःशुल्क शिक्षा दी जाए। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन से आगे हम पढ़ेंगे शिक्षा का अधिकार जो है आरटी जो होता है राइट टू एजुकेशन, उसके तहत ये अनुच्छेद 21 के तहत ये अनुच्छेद 21 कै जोड़ा गया, यानी प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। इसके अलावा इसको जो है वो नैतिक नीति निर्देशक तत्वों में भी जोड़ा गया था अनुच्छेद 45 के साथ 45 कै। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्व यानी राज्यों को भी ये भार सौंपा गया था कि वो 14 वर्ष के आयु के बालकों की जो है निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करें नीति निर्देशक तत्वों के तहत, और साथ में मौलिक अधिकारों में भी इसको जोड़ा गया था। तो मौलिक अधिकारों में कब जोड़ा गया था, अनुच्छेद 21 के साथ जोड़ा गया था अनुच्छेद 21 कै। कब जोड़ा गया था, 86वें संविधान संशोधन से, जो कब हुआ था सन 2002 में। क्या किया गया था इसमें, प्रत्येक व्यक्ति को भारत में हर जो 14 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बालक को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार बना दिया गया, मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो इसमें समय समय पर कई जुड़ते गए, जैसे हम कह सकते हैं सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था, ये भी अनुच्छेद 21 के तहत आता है। ठीक है, और पर्यावरण शुद्ध या स्वच्छ पर्यावरण, इसके लिए भी ये इसके तहत आता है। ठीक है, और प्रदूषण से मुक्ति इस प्रकार। इसके अलावा आवास के लिए स्वतंत्रता जो है, आवास के लिए भी इसमें आता है कि हर व्यक्ति को रहने के लिए मकान होना चाहिए। ठीक है, तो आजीविका इसके तहत। तो समय समय पर हाईकोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिकार के तहत अनुच्छेद 21 के तहत कई व्याख्याएं की है। निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी इसी के तहत आता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समय समय पर जो है वो अनुच्छेद 21 के तहत कानून की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो ये हो गया आपके दूसरे प्रकार का स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम बात करेंगे तीसरे प्रकार के अधिकार, ठीक है, जिसे कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।